नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल टेक्निकल इंडिया चैनल पे। और आज हम एक WhatsApp सेटिंग के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही जरूरी है आज के समय में। देखा जाए दोस्तों, अगर आप WhatsApp में स्टेटस सेट करते होंगे तो स्टेटस वो सभी लोग देख लेते हैं, तो आप क्या सेटिंग करेंगे जिसे आप चाहते हैं उसी व्यक्ति को आप स्टेटस दिखा सकते हैं, जिस व्यक्ति को आप नहीं चाहते हैं वो व्यक्ति कभी स्टेटस आपका नहीं देख सकता है। तो ये सेटिंग हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर और हम आपको सारा डिटेल्स दिखाते हैं आप किस तरह से कर पाएंगे वो सारे सेटिंग्स, वो हम कौन से सेटिंग कर रखे हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, चलते हैं स्क्रीन पे। आपको सबसे पहले अपना मोबाइल ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप पे जाने के बाद कुछ इस तरह का ओपन हो जाएंगे आपके सामने। आपने तो कई बार व्हाट्सएप ओपन कर चुके होंगे। यहाँ पे आपको डाटा ओपन कर लेना है। चलिए यहाँ पे डाटा यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। और डाटा ऑन करने के बाद आपको स्टेटस ऑप्शन पर जाना है। और स्टेटस पर जाने के बाद आपके सामने तीन बिंदु का जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद वहाँ पे दो मेनू आ जाएंगे, एक स्टेटस प्राइवेसी और सेटिंग्स। तो आपको स्टेटस प्राइवेसी में जाना है। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, आप भी क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद आपको तीन मेनू दिखाई देंगे। तीन मेनू में पहला मेनू माई कॉन्टैक्ट्स है और दूसरा जो ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट्स एक्सपर्ट है और जो तीसरा है माई शेयर विथ है। ये तीन ऑप्शन में से आपको जो बीच वाला दिखाई दे रहा है दूसरा नंबर वाला जो ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट्स एक्सपर्ट उसे आपको चूज कर लेना है। और यहाँ पे हम चूज कर ले रहे हैं। अगर आप जिसे अपना स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम दो तीन सेलेक्ट कर लिए जिसे हमें स्टेटस नहीं दिखाना कभी नहीं, ठीक है। तो आप जिसे कभी नहीं स्टेटस दिखाना चाहते हैं उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक तीर का निशान दिखाई दे रहा है नीचे में, उसे आप टिक कर दें। टिक करने के बाद वो व्यक्ति आपका स्टेटस कभी नहीं देख सकता जिसे आप हम टिक लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे तीन दोस्त हैं, मेरा तीनों दोस्त का हम यहाँ पे लगा चुके हैं। यहाँ पे सर है दो और एक दोस्त है हाँ, और यहाँ पे हम टिक लगा के रखे हैं क्योंकि हमें इन लोगों को स्टेटस नहीं दिखाना। तो इसी तरह से आप भी सेटिंग कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नया टेक्निकल वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।